ये बड़ा सराहनीय कदम है। गुरुद्वारा प्रबंध समिति जो है, श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने एनसीईआरटी के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था आनंद साहब संकल्प में जिसमें खालिस्तान की बात कही गई हो, और एनसीईआरटी की किताब में इस संदर्भ में शायद कुछ व्याख्या की गई है आनंद साहब प्रस्ताव की, तो कमेटी ये चाहती है कि उसको हटाया जाए जिस प्रस्ताव की बात की ही नहीं गई है और उस प्रस्ताव के संदर्भ में किताब में दिया गया है, और ये सिख समुदाय की शीर्ष धार्मिक संस्था है वो ये चाह रही है, तो ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है, सराहनीय कदम है, और इसको राजनीतिक रूप से किसी रूप में नहीं लेना चाहिए। इसमें सरकार का, भारत सरकार का या एनसीईआरटी का कोई रोल नहीं, लेकिन संस्था अगर चाह रही है, धार्मिक संस्था ये चाह रही है, तो इसे हटाना चाहिए और ये बड़ा सराहनीय कदम मानना चाहिए। सर, बात की जाए आज़ादी के समय से ही खालिस्तान एक अलग राष्ट्र मांग, जैसे बताया जाता है कि पंजाब एक अलग राष्ट्र मांग चल रही थी, और ये किस टाइप की मांग और ये कौन लोग हैं? देखिए, जब हम स्वतंत्र हुए थे तो छोटी छोटी मांगे संपूर्ण देश में चल रही थी, चाहे वो हैदराबाद रियासत की बात कर लीजिए, जूनागढ़ की बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, या भोपाल रियासत की बात कर लीजिए, तो ये स्वाभाविक है। बहुत सारे जब स्वतंत्र हुए दो राष्ट्र के सिद्धांत के अंतर्गत तो बहुत सारी डिमांड लोगों की थी, कुछ को स्वेच्छा से, कुछ को आग्रह से भारत में विलय इनका हुआ, और वही स्थिति पंजाब की थी, पंजाब भी स्वेच्छा से जो पार्ट था भारत में विलय उसका हुआ। लेकिन हाँ, ऐसे विचार उस समय पे चल रहे थे कि खालिस्तान जैसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा था, या कुछ ऐसे संस्थाएं या कुछ ऐसे समूह ऐसी बातें वैचारिकता में कर रहे थे, और ये समाज में, मीडिया में या संस्थाओं में सतत चलती रहती है छोटी छोटी मांगे, तो ये चलती रही। लेकिन बीच में ऐसी विध्वस्त गतिविधियां हुई पंजाब में, जिसमें भिंडरवाला के, जिसको हम देखते हैं स्वर्ण मंदिर से आर्मी के माध्यम से जो आतंक खालिस्तान समर्थकों को हटाया गया, या आतंकवादियों को कह सकते हैं हमने हटाया गया, उस समय से छोटी एक डिमांड थी ये कहा जा सकता है, या इन्होंने ये बात रखी, लेकिन ये वास्तविकता में एक संभव नहीं है। पंजाब भारत का भाग है, रहेगा, सतत रूप से ये स्वतंत्रता के आंदोलन से ही देखा गया है, लेकिन ये फिरका परस्त शक्तियां जो हैं समय समय पर विरोधी मांगे रखते रहना इनका अपना काम है, लेकिन ये कभी भी भारत के संविधान के अंतर्गत स्वीकार नहीं होंगी, हम ऐसा मानते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।